वैस्ट बंगाल के दिनाजपुर विखे नितिन गडकरी वालों एक जनतक मीटिंग करके लोगों नाल गलबात की गई। आओ असीं वेखते हां। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हमारे जुझारू नेता कैलाश जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी राहुल सिन्हा जी, प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, माननीय विश्वेश्वर रॉय चौधरी जी, मनोज टिग्गा जी, रथीन्द्रनाथ बोस जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रूपा गांगुली जी, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष शिवेंदु सरकार, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे देश को 1947 में स्वाधीनता मिली है और 1947 के बाद आज तक 67-68 साल गुजर गए हैं। आज भी हमारे देश में हालत ये बनी हुई है कि गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारे गरीब लोगों में जो युवा बच्चे, उनके हाथों को काम नहीं है, किसान के फसल को सही कीमत नहीं है। और इतना ही नहीं तो कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की होती है, हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे पार्टी ने, हमारे सरकार ने, हमारे नेता ने इस देश को इस बात का विश्वास दिलाया कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। हम इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। ऐसा देश निर्माण करेंगे कि जिस देश में कोई जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा। और इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद बहुत कम समय में हमने देश में विकास की राजनीति को बहुत जोर दिया है। बहनों और भाइयों, क्या हमारे गरीब लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या हमारे गांव में अच्छे रोड नहीं बनने चाहिए? क्या हमारे गरीबों के लिए अच्छे मकान नहीं चाहिए? पर आज 68 साल में ये क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी ने देश में कम से कम 55 साल राज किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही हम गरीबी हटाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। और उनके बाद सोनिया गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब पंडित जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा देता है। हमने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को राज दिया, मजदूरों की, गरीबों की बात बार बार की गई, पर कम्युनिस्ट राज में क्या हुआ? आज रशिया बर्बाद हुआ, उन्होंने अपने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। चाइना ने अपने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया, पर बंगाल के कम्युनिस्ट नेता ऐसे हैं कि जब चाइना और रशिया में बरसात गिरती है तो कलकत्ता में छाते निकालकर बैठते हैं, ऐसे नेता हैं। अब बहनों और भाइयों, न कांग्रेस देश का भला कर सकी, न कम्युनिस्ट पार्टी आपके बंगाल का भला कर सकी। और बड़े उम्मीद के साथ आपने तृणमूल कांग्रेस को साथ दिया। क्या हो रहा है? मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि बंगाल के क्या विशेषता है, बंगाल में क्या हो रहा है, तो मैंने एक वाक्य में उसको कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले अच्छे गरीब व्यक्ति को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं, यही तृणमूल कांग्रेस की खासियत है।
यहां का पुलिस स्टेशन जलाया गया। मुझे लगता है सरकार का भी करंट चला गया। मैं आपको बता रहा था कि पुलिस स्टेशन जलाया जाता है और वहां का क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा जला जाता है, बाकी बातें वैसी रहती है, ऐसा क्यों है? ये जलाने वाले कौन है? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो अफीम अफीम गलत धंधे करते हैं, जो फेक करेंसी के रैकेट में इन्वॉल्व है, उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छे व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा दमन किया जाता है और जो कानून और व्यवस्था को हाथ में लेकर गलत ढंग करते हैं उनको रक्षा मिलती है। ये कौन सा न्याय है? यही बंगाल की जनता, बंगाल की सरकार को बार बार सवाल पूछ रही है। बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हो। मैंने बांग्लादेश के साथ भारत सरकार की ओर से एक एग्रीमेंट किया है कि ब्रह्मपुत्रा के द्वारा हमारे लोग, हमारा माल बांग्लादेश में जा सके। मैंने एग्रीमेंट किया हमारे डिपार्टमेंट ने कि अगरतला से अगर कलकत्ता आना है तो 18 घंटे लगते थे, अब अगरतला से ढाका और ढाका से कलकत्ता आने का दरवाजा हमने खुला कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहे, पर उसके साथ साथ हमारे प्रदेश में हमारे राज्य सरकार के आशीर्वाद से जो गलत धंधे करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं और अच्छे और गरीब नागरिकों को धमकाने का काम करते हैं और पुलिस की ओर से उनको कोई संरक्षण नहीं मिलता, ममता जी इसी का जवाब मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं। जब आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब आपने क्या कहा? तब गवर्नर साहब ने जब शपथ दी तो आपने कहा था, आपने शपथ ली और ये शपथ लेकर कहा था कि इस राज्य की गरीब जनता की मैं रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगी। अब मुझे बताओ, आप तो यहां की गरीब जनता की रक्षा नहीं कर रही है। जो गुंडे हैं, जो दंगे फसाद करने वाले हैं, जो देश के साथ बेईमानी करने वाले हैं, जो कानून हाथ में लेने वाले हैं, जो पुलिस स्टेशन को जलाने वाले हैं, जो मां बहनों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका आप रक्षण कर रहे हैं और अच्छे लोगों को आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं। ममता जी, ये कौन सी शपथ आपने ली है? ये बंगाल की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आपका काम नहीं है कि जो गलत धंधे कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना? आपने शपथ लेकर आश्वासित किया है जनता को कि जो गलत धंधे करेंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे, आप क्यों नहीं कर रही है? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए संघर्ष करने की जिम्मेदारी आई है। पर बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार किसी गुंडों के सामने, कानून हाथ में लेने वाले किसी गुनहगारों के सामने शरण लेने वाली सरकार नहीं है, तो उनको पकड़ पकड़ कर मजबूती से ठोकने वाली सरकार है। ये बात आप जरूर याद रखिए। अब ज्यादा समय नहीं है, चुनाव होगा और हमारी सरकार आएगी और ये जितने गुंडे गर्दी करने वाले जितने हैं, इन लोगों को ऐसा ठोकेंगे कि इनको यहां से भागना पड़ेगा। ये बात उन्हें याद रखना चाहिए। पर मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि आप इतिहास में जाइए, इतिहास यही बताता है कि सज्जन शक्ति के विरोध में दुर्जन शक्ति का सामना होता है, सच के विरोध में असत्य का सामना होता है, सज्जन और अच्छे लोगों के खिलाफ दुर्जन लोगों का संघर्ष होता है। कुछ लोग दंगे फसाद करने वाले होते हैं, कुछ लोग
भ्रष्ट धंधे करने वाले होते हैं, कुछ लोग फेक करेंसी का धंधा करने वाले होते हैं, कुछ लोग देश के साथ बेईमानी करने वाले होते हैं और कुछ लोग देश के साथ देशभक्ति करने वाले होते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं। हमें देश को बचाना है, हमको बंगाल को बचाना है और बंगाल की आम जनता की रक्षा करनी है। मुझे लगता है कि ये बंगाल की सरकार ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। चुनाव में आतंकवादियों का तुष्टीकरण करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले गुंडों को संरक्षण देना, फेक करेंसी का धंधा करने वाले लोगों को आशीर्वाद देना, ये पाप सरकार क्यों कर रही है? इसका कारण यही है कि चुनाव के समय ये सब काम में आए और फिर से चुन कर दे, इसीलिए ये तुष्टीकरण की नीति बंगाल की सरकार अपना रही है। बहनों और भाइयों, राजनीति की एक मर्यादा होती है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर जब उनका भाषण होता था तो वह कहते थे कि पार्टी आएगी चले जाएगी, मंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे चले जाएंगे, सरकारें आएगी बिगड़ जाएगी, पर यह हिंदुस्तान कायम रहेगा, ये देश कायम रहेगा, हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। अरे हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये संस्कार और ये विचार हमको मिला है। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये हमारा संस्कार है और ये हमारा विचार है। हम इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हर कानून और व्यवस्था को प्रस्तावित करना चाहते हैं और इस देश को सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली ताकतवान पूरे दुनिया की नंबर एक की ताकत हमारे देश को बनाना चाहते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है और यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने वाले से भी ज्यादा अन्याय सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप अन्याय सहन करोगे? जोर से बोलो, क्या आप अन्याय सहन करोगे?